सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मङ्गलकरन् नाम। श्रीदे निज ना। श्री मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पियाजी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिए न खिन लाख तली लालेडियां मेरे जीव के ही जीवन इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नज़र खोलो बातून पलना वालू नेत्र मेरे जीव के ए जीवन मेरे जीव के जीवन जब उठे रूह के सो तू जागी जान आई अर्स अंग लज्जत तिन पूरी भई पहचान तिन पूरी भई पहचान जो अंग हो वे अर्स की धाम धनी अक्षरातीत अपनी प्यारी लाडली सखी इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर उनके दिल को धाम दिल बना दिया और स्वयं अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर अपने हुक्म को हुक्म देकर अपने दिल के अंदर से इल्म सागर की वो लहरें रूहों को सुख देने के पहुंच वास्ते हम तक पहुंचाया इस ब्रह्मांड में चारों तरफ असत्य का बोलबाला है ऐसा असत्य जो माया का अभिन्न अंग है माया के दो विचित्र गुण है आवरण और विक्षेप आवरण यानी सत्य के सामने पर्दा ढांक देना और विक्षेप वैसे तो हिलने डुलने को कहते हैं विक्षेप लेकिन इसके पीछे भाव यह है कि मन को कहीं स्थिर ना होने देना और असत्य को सत्य बताकर जाहिर करना ये माया के दो बहुत विचित्र गुण हैं जो हमें इस ब्रह्मांड में चारों ओर दिखते हैं हम इस असत्य की दुनिया में सत्य कहां मिलेगा सब कहते हैं सत्य की राह अपनाओ लेकिन क्या हमें पता है कि वो सत्य है कौन सत्य की बात मात्र सत्य ही बता सकता है और वो है पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत जिन्होंने अपने सत्य की पहचान परम सत्य की पहचान इस ब्रह्मांड में आकर अपने हुक्म से वाणी के द्वारा तारतम ज्ञान का प्रकाश देते हुए ऐसा प्रकाश फैलाया जिससे असत्य पूरी तरह से काफूर हो जाता है उड़ जाता है कपूर के जैसे उड़ जाता है और सत्य झलकने लगता है इस ब्रह्माण्ड में आने के बाद हमें एक तन मिला तन के अंदर एक जीव है जिसका मूल माया है पर परब्रह्म की कृपा देखो इसी नश्वर तन के अंदर जो जीव बैठा है उसके ऊपर अपनी प्यारी भोली आत्माओं का नजर और प्रतिबिंब अपने ही हुक्म को लेकर इन तनों में विराजमान कर दिया परमधाम के अंदर जब रूहों को एक माया दिखाने का वायदा किया तो उसके पहले तीन बातें उन्होंने बता दी कि अब तुम ऐसे ब्रह्मांड में जाओगे जहां न तुम्हें अपनी पहचान होगी न अपने इस वतन की पहचान होगी और न मेरी पहचान होगी मैं अपना रसूल भेजूंगा अपने इल्म को लेकर जो तुम्हें जगाएगा आज हम सब ब्रह्म सृष्टियों के पास आज सब ब्रह्म सृष्टियों के पास तारतम ज्ञान है लेकिन एक अजीब सी बात है कि तारतम ज्ञान के प्रकाश में हम राज्य को देख सकते हैं लेकिन देख नहीं रहे धाम धनी का हुक्म फरमाता है जब उठे अंग रूह के सो तू जागी जान आई अर्स अंग लज्जत तिन पूरी भई पहचान जब उठे अंग रूह के इसका तात्पर्य है कि जब रूह के दिल में अपने मूल तन के अंग आ जाते हैं तो वो अपने मूल तन यानी पर के तन से अरस परस हो जाती है इस स्वाद आत्म तो आ जो पलक न दीजे भंग अरस परस एक हो वही पर आत्म आतम संग। आत्मा को जो परातम का प्रतिबिंब है जिस पे परातम की नजर भी है राज्य का हुक्म भी है वो जब यहां अपने मूल तन को देख पाती है तारतम ज्ञान के प्रकाश में तब वो अरसपरस हो जाती है जब उठे अंग रूह के जब आत्मा अपने पर आत्म के अंगों से अरस परस हो जाती है तभी जानो कि आपकी आत्मा जागृत हुई हम इस ब्रह्मांड में आए इस वास्ते हैं कि हम वो सारी चीजें जान लें, वो सारी न्यामतें संपदाएं निधियां को ग्रहण कर लें, जो हम परमधाम में रहते हुए भी हमें नहीं पता था आप सभी सुंदर साथ इस बात को जानते हो कि परमधाम में 24 घंटा वहां समय नहीं है घंटे का भाव यहां से लिया जाता है हर घड़ी हर पल हमारे मूल तन राज्य के सानिध्य में रहती हैं उनके संग उनकी बातें सुनती हैं उनके साथ परमधाम जो राज्य के दिल का ही प्रकट स्वरूप है उसके अंदर लीला करती हैं और लीला के अंदर राज्य के दिल से बहता हुआ प्रेम और उसका प्रतिफल आनंद के रस में डूबी रहती हैं हम राज्य का तन तो देखते हैं नक्शे शिक तक लेकिन उनका दिल नहीं देखा उस दिल को दिखाने के वास्ते हम रूहों को यहां पहुंचाने का दिल में लिया ने। हम धाम में घूमने जाते हैं कभी पाटघाट जमुना जी में कभी वनों में कभी पुखराज पे कभी माणिक पहाड़ पे कभी नूर बाग फूल बाग अन्नबन दूप दलीचा पश्चिम की चौगान आठों सागर आठ जिमी कुंज ने कुंज बट पीपल की चौकी जवेरों की नहरें वन की नहरें छोटी रांग बड़ी रांग महानद हर जगह हम घूमते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता था परम धाम का जर्रा जर्रा राज्य का ही स्वरूप है और राज्य का ही अंग है इसी को अर्श की पातशाही कहते हैं हम परमधाम में घूमते तो थे लेकिन हमें यह नहीं पता था कि जैसे मेरा अंग है परातम का अब मैं परातम के अनुरूप कह रही हूं कि मैं परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हूं मैं पर आतम हूं हमने हर लीला तो की लेकिन पुखराज पहाड़ पे हम गए पुखराज की तरहटी में घूमे हजार हास की चांदनी में घूमे पांचों पेड़ की शोभा देखी झरोखों की शोभा देखी बंगला देखा अदबीज का कुंड देखा चार धार धार को देखा मूल कुंड ढपो चबूतरा को देखा जमुना जी की लहरें बहती हुई मरोर खाती हुई फिर मरोर खाती हुई हौज हौजकौसर में पहुंचती हुई सब कुछ देखा लेकिन हमने कभी पुखराज पहाड़ से बात नहीं किया पुखराज पहाड़ भी मेरे जैसी ही आत्मा है मुझ में और पुखराज पहाड़ में कोई अंतर नहीं है क्योंकि पुखराज पहाड़ भी राज्य का दिल है वो भी आत्मा है जिमी जात भी रूह की रूह जात आसमान जल तेज वायु सब रूह को रूह जात अर्श सुभान पशु पंखी या दरखत रूह जिनस हैं सब हक अर्स वाहे दत्त में दूजा मिले न कछुए कब या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म यानी बड़े से बड़ा स्वरूप या छोटे से छोटा स्वरूप सब आत्मा है या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म सब देत देखाई जाहिर जो देखिए माहे चसम रूह की नजर से देखेंगे तारतम के प्रकाश में तो हमें पता लगेगा कि पुखराज पहाड़ हो या चांदनी चौक की रेती हो या कुंज निकुंज की रेती हो या पश्चिम के चौगान की रेती हो सब मेरे ही अंगी है सब मेरे ही संगी हैं, सब मेरे ही साथी हैं हमने ब्रह्म सृष्टियों के बीच में तो बहुत बातें की और जी ने भी प्रत्यक्ष रूप में हमसे बहुत सारी बातें की वह दत्त के सुख देने का अनुभव हमने लिया लेकिन हमने उन पच्चीस पक्षों से कभी बात नहीं किया कभी वायु से बात नहीं किया जल से बात नहीं किया पशु पंखियों से बात नहीं किया और यह हमारी वो बात है जो हमें परम धाम में पता नहीं थी वो इस ब्रह्मांड में आने के बाद राजी अपने तारतम ज्ञान से हमें बता रहे हैं। जब उठे अंग रूह के जब मैं अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती हूं जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म संग ले के विलसिए संग खसम तो आई जब उठे अंग रूह के सो तू जागी जान इस ब्रह्मांड में आत्मा तभी जागी जा, जानी जाती है जब वो अपने मूल तन को देख ले अपने रूह की नजर से और उसके हर अंग को अपने अंग के अंदर बसा ले और उससे अरस परस हो जाए जब उठे अंग रूह के सो तू जागी जान आई अर्स अंग लज्जत तिन पूरी भई पहचान जब अर्श के अंग यानी परम धाम का जर्रा जर्रा जो राजी के दिल का अंग है आई अर्स अंग लज्जत तिन पूरी भई पहचान जब पूरी पहचान के क्या मतलब होता है राजी ने दिल में जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल पीछे सब में पसरे जो वाहे दत्त में असल वह दत्त किस को एकत्व एक परम धाम में ही एकत्व है यानी सब कुछ राज्य के ही दिल का अंग है पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सोए तुम्हें देखे कहें बातें सुने लेवे तुम्हारी बानी की खुशबोए तो हमने पुखराज पहाड़ की तो वाणी सुनी ही नहीं शीतल मंद मंद सुगंधित वायु तो बहती रही हम उसके स्पर्श का सुख तो लेते रहे लेकिन कभी भी उससे बात करने का सुख नहीं लिया जब मेरी आत्मा इस बात को अच्छी तरह से जान जाएगी परम धाम का जर्रा जर्रा मेरे वाहे दत्त का स्वरूप है जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहे दत्त माहे जरा एक बिना वाहे दत्त सो तो कछुए नाहे परम धाम में जो भी है वो वह दत्त है और उस हर अंग से राजी का उस हर अंग से जब मैं स्पर्श का सुख लूंगी उससे बातें करूंगी तब पूरी पहचान होती है स्वरूप ग्रहीय हक का अपनी रूह के अंदर पूरन स्वरूप दिल आईया तब दो उठे बराबर कहने का तात्पर्य राज्य का क्या है तुम मेरे नक्शे शिक तक का अंग अंग को अपने दिल में बसा लो मेरे वस्त्र आभूषण भी तुम्हारी तरह ही आत्मा है और मेरे हर अंग की शोभा है उसको बसा लो लेकिन ये मेरा स्वरूप है पूर्ण स्वरूप वो अनंत परम धाम है तो वो अनंत परम धाम और मेरा अंग अंग मिलकर पूरन स्वरूप होता है पूरन स्वरूप दिल जब रूह के दिल में वो पूरन स्वरूप आ जाता है तब दो उठे बराबर यानी आत्मा और परातम अपरातम और, और राज्य तो आत्म पर आत्म और राज्य एक स्वरूप हो जाते हैं तब आई अर्श अंग लज्जत तब परम धाम की लज्जत हमें आती है तिन पूरी भई पहचान तब परम धाम की पूरी पहचान होती है राज्य ने दिल में यही बात लिया था एक अर्श की पातशाही और वाहे दत्त का इश्क सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया अर्श की पातशाही वो अनंत परम धाम का अंग अंग राज्य का अंग है उसकी शोभा राज्य की शोभा है और वो भी मेरी जैसी आत्मा है और कण कण में राज्य विराजमान है परम धाम के कण में यह है अर्श की पातशाही और जो कुछ भी है वो उनके दिल से है तो ना हमें अर्श की पातशाही का पता और ना वह का इश्क वाह माने एक दिली एक दिली माने राज्य का दिल और इश्क का सागर वहीं बसता है और कहां कहां बसता है ये राज्य ने वाणी में बहुत अच्छी तरह से हम रूहों को बताया है तो जब अर्श की हर अंग की लज्जत हम रूहों के हर अंग में आ जाती है जब मेरे अंग पर आत्म के अंग से अरस परस हो जाते हैं तब ही जानो की पूरी भई पहचान पूरी पहचान मेरे प्यारे सुंदर साथ हकीकत और तो मार्फत को कहते हैं हकीकत राज्य का तन और तन से होने वाली लीलाएं और परम धाम के हर आकार जो राज्य का ही नूरी तन है उसको कहते हैं हकीकत और वहां होने वाली हर लीला हकीकत की लीला कहलाती है लेकिन मारिफत यानी राज्य का दिल तो हम हकीकत में रहते हुए भी हकीकत की पूरी पहचान हमें परम धाम में नहीं थी और मारिफत की तो पहचान थी ही नहीं हम मारिफत की बातें तो कर सकते थे लेकिन पहचान नहीं थी वो दिल दिखाने के वास्ते राजी हमें लाए और प्यार से अपने दिल से इल्म की लहरें से हमें झिला दिया हम झीलने लगे अर्श के उस इल्म से जो राज्य की निज बुद्धि का इल्म है और अब मुझे उससे इस ब्रह्मांड में आने के बाद हकीकत और मार्फत की पहचान होती है और तभी पूरी पहचान होती है लेकिन अब हम सबके लिए सावचेत होने की निशानी आज छोटा कयामतनामा प्रकरण एक मोमिन दुनिया का बेवरा की चर्चा राज्य के हुक्म से राज्य की कृपा से हो रहा है आप यह न समझिएगा मैं कर रहा हूं ये सब राज्य अपने रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते कर रहे हैं जो अंग होवे अर्श की यह उन्हीं के लिए कहा जा रहा है जिनके मूलतन परमधाम में हैं और जो राज्य के अंग हैं जो अंग होवे अर्स की उपजत नहीं अंग आहे बारह हजार रूहन में सोकाहे को आप गिनाए हमें एक गलत फहमी हो जाती है क्या हम किसी न किसी के सानिध्य में आके यहां पर सदगुरु से तारतम ले लेते हैं और हमें कह दिया जाता है कि आज से तुम ब्रह्म सृष्टियों की जमात में समुदाय में आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता हम आ तो जाते हैं तारतम मिल जाने से ब्रह्म सृष्टियों की जमात में लेकिन क्या हम ब्रह्म सृष्टि होने लायक हैं यह राज्य इस चौपाई में हम सबको आगाह कर रहे हैं सावचेत कर रहे हैं सावधान कर रहे हैं कि मात्र तारतम ज्ञान ले लेने से सुन लेने से एक माला पहन लेने से यहां पर सदगुरु के सानिध्य में आ जाने से हमारा काम नहीं बनता हमें वाणी का रस लेना ही होगा और जब वाणी का रस लेते हैं तब हमें अपने निस्बत की पहचान होती है और धाम से बिछोहा का दर्द हमारे दिल के अंदर आता है अब आप देखो और अपने भीतर हम झांके कि क्या हमारे अंदर अपने प्रीतम के विरह का दर्द उसका टीस उसकी पीड़ा का अनुभव होता है तो मालूम पड़ता है यहां अपना कोई संगी साथी बिछुड़ जाए तो बहुत पीड़ा होती है लेकिन धाम धनी से बिछुड़ गए तो कोई पीड़ा नहीं उपजत नहीं अंग आहे वो आह वो दर्द कब आएगा जब राज्य के चरणों से जो हमारी निस्बत है उसकी पहचान हो जाए मेरे दिल की निस्बत राजी के दिल से है जब उसकी पहचान हो जाए तो दर्द स्वत ही आएगा दुख थे उपजे विरह विरह प्रेम इश्क इश्क प्रेम जब आइया तो हचे मिलिए हक दुख किसे कहते हैं? मेरे प्यारे सुंदर साथ ध्यान से और अपना दिल के कानों से सुनिए कहा जो राजी ने हमें अता किया है कहना कहलावना हक हादी बिना न होए कान भी हक दे वहीं तब सुन सके कोई हक के द्वारा दिए हुए अपनी आत्मा के कानों से श्रवण कीजिए राज्य की उस बात को जब वो कहते हैं दुखते उपजे विरा हम यहां तो मस्त हैं माया के सुख के आनंद में गर्क है हमें माया का सुख मिल जाता है तो हम सोचते हैं और कहते हैं कि धनी की बड़ी कृपा है माया का सुख मिला तो धनी की कृपा है और राजी ने अपने चरणों को पकड़ाया वो राजी की कृपा नहीं है ऐसा हमारा विचार हो जाता है लेकिन जब मुझे अपने निस्बत की पहचान होती है तब दुख होता है कि हम क्यों बिछुड़े उस दुख से विरह उपजता है कि मैं अब अपने प्रीतम से जुदा हो गई हूं और उस की का दर्द हम जब अपने दिल के अंदर खाते पीते उठते बैठते सोहवत सुपन जागृत महसूस करें तब जानो कि विरहा की अग्नि अब मेरे दिल के अंदर माया को जला रही है जैसे यहां आप देखते हो खेत बड़े होते हैं उसके फल निकाल लिए जाते हैं चाहे गेहूं हो चाहे धान हो और जो ठूठा बच जाता है उसको लोग जला देते हैं तो ये माया भी फल दे सकती थी परमधाम का राज्य की कृपा से लेकिन हमने उस माया के गेहूं को तो खा लिया और फिर उसको जलाने का प्रयास किया लेकिन माया को जलाओ न कि उस फल को जलाओ तो जब वो विराहा का दर्द पीड़ा टीस हमारे अंदर विराजमान माया की अग्नि को अपने धाम की इश्क की अग्नि से जलाती तो माया दूर होती है तो क्या होता है दुखते उपजे विरहा विरहा प्रेम इश्क प्रेम कहते हैं हकीकत को यानी परमधाम के अंदर होने वाली हकीकत की लीला में प्रेम है और इश्क कहते हैं मारिफत को जो राज्य के दिल में है तो मेरी सुरता जब मेरे मूल तन में लगती है तो मैं हकीकत को देख पाती हूं और उस हकीकत को देख के मैं राज्य के दिल में बैठती हूं तब क्या होता है दुखते उपजे विरहा विरहा प्रेम इसक यानी ये सीढ़ी है जब विरह का दर्द हमें सताने लगता है आह भी सूखने लगती है तब प्रेम यानी हकीकत का रस मुझे मिलने लगता है और जैसे जैसे हकीकत का रस मेरे दिल के अंदर आता है वैसे वैसे मेरे कदम खुद बखुद राज्य के दिल में प्रवेश कर जाते हैं और वो मारिफत का सुख सुख है और वहां इश्क का सुख है इश्क राज्य के दिल में है और जब वो अपनी लहरों के साथ प्रेम के रूप में हकीकत में बहता है तो वो दोनों सुख तो कैसे जरा ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ ये बहुत प्यार भरी बात है दुखते उपजे विरहा यहां पे विरहा का दर्द दुखते उपजे विरहा विरहा प्रेम इश्क यानी कि इस विरहा से हकीकत और मार्फत दोनों मिला उसके बाद तीसरा चरण कहता है इश्क प्रेम जब आइया पहले कहा प्रेम इश्क दूसरे चरण में और तीसरे चरण में कहा इश्क प्रेम यहां भी प्रेम इश्क कह सकते थे लेकिन क्यों कि प्रेम से इश्क में पहुंच गए और अब इश्क से प्रेम में यानी हकीकत से मार्फत में और मार्फत से हकीकत में जब मैं राजी के दिल में बैठकर उनके इश्क का रस पीऊंगी फिर मुझे हकीकत के हर अंग अंग में उमंग आएगा आनंद आएगा उल्लास से मैं भर जाऊंगी तो कहते हैं जो अंग होवे अर्श अर्स की उपजत नहीं अंग आए यहां इस ब्रह्मांड में आकर एक तन हासिल करके श्वास पाकर अगर मेरे हर श्वास में धाम के धनी का विरह का आह नहीं निकली तो बारह हजार रूहन में सो काहे को आप गिनाए तो ये गलत फहमी हम ब्रह्म सृष्टिया यहां न पाले कि हम तारतम लेके उस जमात में शामिल हो गए तो हम ब्रह्म सृष्टि हो गए ना दर्द ना विरह ना पीड़ा ना कसक ना टीस धनी के बिछोहा का और हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं शर्म से सिर झुक जाता है आगे राज्य फरमाते हैं करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जे हमारी हालत कैसी होनी चाहिए कि हम जब निद्रा की आगोश में भी आ जाते हैं जब हम अपने इस ब्रह्मांड के शयन कक्ष में जाकर दिन भर के माया के कार्य निपटाने के बाद जब गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो रूह वही है जो करवट लेते राजी, राजी राजी श्यामा जी श्यामा जी श्यामा जी धाम धनी धाम धनी मेरे प्रीतम मेरे प्राणों के दूल्हा करवट लेते सूते नींद में नाला मारत छे जब यही आवाज निद्रा की अवस्था में भी हमारी आत्मा के जुबा से यही निकले दिल की जुबा से जानो कि याद बिगर किए अंग आवही उस अवस्था में मैं राज्य को याद नहीं कर रही होती हूं लेकिन स्वतः ही अपने आप ही वो आ जाते हैं याद बिगर किए अंग आवही स्वाद आसिक मासूक के राज्य के हर अंगों का स्वाद तभी आएगा जब मैं हर समय राज्य में ही खोई रहू तन माया का है माया का कार्य कर रहा है करने दो लेकिन दिल लगाओ राज्य के चरणों में सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे मा राज्य ने यह नहीं कहा कि तन एक ही रखिए मूल मिलावे माए सूरत सूरत माने ध्यान ध्यान कौन करता है दिल तो दिल राजी के चरणों में लगाए रखो और तन को माया का कार्य कर रहा है करने दो और जब ये तन निद्रा अवस्था में होता है तब दिल पूरी तरह से जागृत होना चाहिए और उस समय याद बिगर किए अंग आ वही। स्वाद आसिक मासूक के। न्यारा निमख न हो वहीं एक क्षण के लिए भी राजी से अलग नहीं होना न्यारा निमख न हो वहीं करने पड़े न याद आसिक को मासूक का कछु इनविध ला गया स्वाद एक क्षण के लिए भी उनसे अलग ना हो तब आसिक को मासूक का स्वाद लग जाता है स्वाद किसका प्रेम का जिसका मूल है इश्क इश्क का स्वाद अब यहां पर राजी हम सबको नसीहत दे रहे हैं अब तो जागो वाणी आने के बाद तो जागो गुम हुई जिनों की अकलें होए नजीक न तीनों हक जान बूझ ना छोड़े इन जिमी तिनसे रहनी ना होए बेसक गुम हुई जिनों की अकलें अगर हमारे अकल पे माया का पत्थर पड़ा हुआ है और धाम की अकल गुम हो गई गुम हुई जिनों की अकलें हो नजीक ना तीनों हक उनके नजीक राजी नहीं होंगे क्या कोई भी सुंदर साथ यहां है जो ये कहे कि हमें राज्य अपने नजीक नहीं चाहिए कहेंगे तो हम सब लेकिन करेंगे कुछ नहीं तो कह रहे हैं गुम हुई जिनों की अकलें होए नजीक ना तीनों हक जान बूझ ना छोड़े इन जिमी इस जिमी के जो छलावे वाले सुख हैं जो इंद्रियों के पास विषय विकार के सुख हैं जो एक छलावा है अगर हम सब कुछ जानते पूछते भी उसको छोड़ते नहीं तिनसे रहनी ना होए बेसक सुंदर साथ थोड़ा विषयांतर क्या हम जानते हैं रहनी किसे कहते चलिए रहनी दिल को कहते हैं और कहनी और करनी तन से होती है दिल में जैसा भाव होता है वैसी ही कहनी और करनी होगी मेरे दिल में भाव आया कि आज तो मैं सत्संग सुनने जरूर जाऊंगी तो तन उठ के चला आता है आदेश कहां से मिलता है दिल से और उसकी जुबा से भी राज्य की ही बात निकलेगी अगर उसके दिल में राज्य है तो कहनी और हर करनी उसकी होगी राज्य के दिल के मापक जो उसके दिल में आएगी तो कहनी और करनी दिल का आईना है रहनी का प्रतिबिंब है कहनी और करनी तो तीन से रहनी ना हो बेसक बेसक हो जाने के बाद भी उनकी अकल गुम हो गई और उनसे रहनी नहीं होती यानी अपने दिल में राजी को बसाते नहीं कदी कहनी कहे मुख से बिन रहनी ना होवे काम रहनी रूह पहुंचा वहीं कहनी लग रहे श्याम हम लोग देखो क्या करते आज जो हमारे दिलों के ऊपर ये माया का पर्दा है वो राज्य की वाणी उस पर्दा को उठा रही है और परम धाम दिखा रही है अपना दिखा रहे हैं अपना दिल दिखा रहे हैं अपनी लीलाओं को दिखा रहे हैं अपने हर अंग को दिखा रहे हैं सुनो कदी कहनी कही कहे मुख से मुख से तो हम हमेशा कहते रहते हैं मैं तो राज्य की अंगना हूं कुछ किया अंगना होने का काम वो तो हमने किया नहीं बस कहना है कि राजी हमारे प्रीतम है राजी हमारे पति हैं अरे कुछ पत्नी होने का कार्य किया वो तो हमने किया नहीं धनी की बातें हमने सुनी सिंधी ग्रंथ में कितना सुंदर वर्णन है कि ऐसी औरत को बेईमान न कहो तो क्या कहो जो पति के बुलाने पर भी न जाए राज्य की वाणी हमें बुला रही है अपने पास आवाहन दे रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे करीब आ जाओ मैं तुम्हें गले भी लगाऊंगा तुम से मीठी मीठी बातें भी करूंगा और हम बेईमान औरत होकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं माया के पति बुलाएं और हम न जाए तो वो दो थप्पड़ मारेगा और आत्मा के पति हमें इतना कह कह के बुला रहे हैं लेकिन हम काहे को जाए क्योंकि हमें लगता नहीं कि वो हमें थप्पड़ मारेंगे अब वो भी क्या करें परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां तो उनके अंग हैं उनके तन है तुम रूहे मेरे नूर तन हो कहते हैं तो मारेंगे तो नहीं तो यहां के पति की आवाज सुनकर हम फौरन चले जाते हैं और वहां के पति इतना प्यार से बुला रहे हैं तो हमारे पास समय नहीं होता तो खाली कहते रहो कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं मैं अंगना हूं मैं राज्य की पत्नी हूं और अर्जी गाइए गाते रहिए क्या होता है जब तक वो धाम धनी हमारे दिल में इस प्रकार आ जाए कि याद बिगड़ किए अंग आवई स्वाद आसिक मासूख के तो कदी कहनी कहे कदी कहनी कहे मुख से बिन रहनी ना होवे काम जब तक दिल में राजी नहीं होते आत्मा का काम बनता नहीं रहनी रूह पहुंचा वहीं कहनी लग रहे चाम कहनी इस तन के साथ लगी रहेगी और रहनी दिल राजी के चरणों में पहुंचा देगी तो बोलो सुंदर साथ क्या तुम्हें अपनी रहनी का अंदाजा है क्या मुझे अपनी रहनी का अंदाजा है क्या मेरे दिल को अर्श बनाकर धाम धनी बैठे हैं खाली कहने से कि वास्तव में उस खिलवत को हम अपने दिल में पहचान पा रहे हैं अगर मेरा दिल अर्श होता है तो जानो कि मेरा दिल खिलवत है क्योंकि अर्श ही खिलवत है और जब धाम धनी हमारे दिल में आकर बैठ जाते तो मेरा दिल खिलवत हो जाता है और खिलवत हो जाता है तो दीदार का सुख हर घड़ी हर पल हमें मिलता रहता है और जब उस दीदार लहरों में हम घूम रहे होते हैं झील रहे होते हैं तो करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जे बस रांची 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 कहनी सुननी गई रात में अब आया आया रहनी का दिन इसके मतलब समझ आ रहा सुंदर साथ आप तो हमारे बहुत ही प्रबुद्ध सुंदर साथ हो आपको तो जी ने जागृत बुद्धि का बख्शीश दिया है जिससे जी ने अपने दिल की अखंड लहरों का दीदार दिया है जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका हक शराब तहुरा उतरी इनों पर पिलाया हादी हक इश्क कैसे जागृत बुद्धि देखो वाणी सपने की बुद्धि से नहीं समझा जा सकता सपने की बुद्धि का मालिक जीव है और जागृत बुद्धि का बख्शीश आत्माओं को मिला है तो आत्माएं जागृत बुद्धि की मालिक हो जाती हैं और सपने की बुद्धि का मालिक जीव होता है और जीव के बस की ये बात नहीं है और उस जागृत बुद्धि से क्या कहते हैं राजी जागृत बुद्धि दे इनों को यानी इन आत्माओं को अब मैंने जागृत बुद्धि का उपहार दिया है जिनसे देखी लहरें बका हक राजी के अखंड दिल से बहने वाली अनंत निधियां संपदाएं न्यामतें इश्क से लबा लब भरी हुई उसका मैं दीदार कर सकती हूं शराब तहुरा उतरी इनो पर तहुरा माने पवित्र जो राज्य के दिल से बहने वाला इश्क का कि इश्क की लहरें हैं कहां आई ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते जो ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक बने हैं हमारे अंदर आत्मा है यह मैं कह रही हूं लेकिन क्या मैं ये महसूस कर रही हूं कि मेरे अंदर वो आत्मा शराब तहुरा उतरी इनो पर पिलाया हादी श्यामा जी ने अपने रसना से रब का रस पिलाया पिलाया हादी हक हक के इश्क को श्यामा जी ने तारतम ज्ञान के द्वारा अपनी हर ब्रह्म सृष्टि को पिलाया क्या हमने उसको पिया अब मां जैसे होती है दूध लेकर बच्चे के पीछे पीछे घूमती रहती है पीले बेटा पीले बेटा पीले बेटा और बेटा जी भागते रहते पीते ही नहीं तो राजी ने श्यामा जी को कहा कि ले जा इस रस का प्याला अपिलाओ मेरे रूहों को लेकिन हम सुधरते नहीं तो अब मौका है हम कहते हैं ना श्वास श्वास निज नाम जपो निज नाम माने होता है निज माने मारिफत नाम माने हकीकत यह चर्चा कई बार कर चुका हूं संक्षेप में बता देता हूं कि नाम को हकीकत क्यों कहते हैं नाम की आवश्यकता तन को होती है तन की पहचान नाम से होती है और दिल की पहचान उसके गुणों से होती है तो जब तन और दिल दोनों की पहचान होती है तब वो पूर्ण पहचान होती है तो राज्य की परम धाम की स्वलीला अद्वैत में हमने नाम देखे पुखराज पहाड़ माणिक पहाड़ ब्रह्म सृष्टिया इंद्रावती लाड़बाई सुंदरबाई नवरंग बाई आसबाई नाम क्योंकि हर आकार को एक नाम देना आवश्यक हो जाता है अब पुखराज पहाड़ उसको एक उस आकार को एक नाम मिला है लेकिन पुखराज पहाड़ क्या नृत्य की हवेली में आकर नृत्य करता है नहीं तो हर नाम की एक खास विशेष लीला है इसलिए वो हकीकत है और निज राज्य का दिल और उसकी पहचान उसकी जमाली और जलाली गुणों से होती है तो निज माने दिल नाम माने तन तन माने हकीकत दिल माने मारिफत श्वास श्वास निज नाम जपो अपने हर श्वास में वो हकीकत और मारफत का रस बहते रहना चाहिए निज नाम जपो जपना नहीं होता है मेरे श्वास श्वास में हकीकत और मार्फत का दृश्य हर समय मेरे दिल में बसा होना चाहिए श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए ना जाने इन श्वास को आवन होए न होए। सुंदर साथ ना आपको पता न मुझे पता न किसी को यहां पता कि उसकी कौन सी आती जाती सांस कब साथ छोड़ दे तो जितनी श्वास हमें मिली है उस हर श्वास में राजी का पूर्ण स्वरूप यानी हकीकत और मार्फत हर श्वास के अंदर बसी होनी चाहिए तो जानो कि आप और हम राज्य की अंगना है और तभी हम दावा ले सकते हैं अहम मेव जाग्या का सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा कहनी सुननी गई रात में इसके मतलब ध्यान से ब्रज और रास लल्तुल कदर के तीन तकरारों में से दो तकरार तो सारा कहना सुनना ब्रज में हुआ कृष्ण जी के तन में आवेश स्वरूप राज्य विराजमान सखियों से कुछ कहते हैं सखिया उनसे कुछ कहती हैं और इसकी अपनी लीलाएं हैं पढ़ लीजिएगा रास ग्रंथ में कलश ग्रंथ में किरंतन में जहां चाहिए पढ़िए लेकिन वहां क्या लीला होती थी कहनी सुननी राजी ने कहा गोपियों ने सुना गोपियों ने कहा कृष्ण जी ने सुना कहनी सुननी रास में भी गए तो उथले वचन हुए कहनी सुननी जो कुछ हुआ कहनी सुननी तो वो जो अंधकार की रात्रि ब्रज और आधी नींद तो उड़ाई रास में अपनी प्रीतम होने की पहचान की बस लेकिन रात्रि वो भी थी तो वहां कहनी सुननी चलती रही तो कहनी सुननी गई रात में ब्रज और रास में हो चुका कहनी सुननी आया रहनी का दिन अब हमें अपना दिल राज्य को दिखाना है कि मेरे दिल के अंदर मेरी पर आत्म का दिल है दिल मोमिन अरस्तन बीच में उन दिल बीच ए दिल कहने को ए दिल है है अरसे दिल असल अब अपने दिल को खोल के रखना है जो गुज अपनी रूह का सो खोल मासूक आगू यो कर जन्म सुफल ऐसी कर तू तो सुंदर साथ आप देखो कि ये तीसरा तकरार जो है वो रहनी का दिन है रात्रि में कहनी सुननी और दिन में रहनी अब रहनी को दिखाना है हम सभी सुंदर साथ को राज्य के सामने पूरी शिद्दत से हक से हक के सामने खड़ा होना है कि मेरे दिल में आप बसते हो बिन रहनी कहनी कछुए नहीं आप कितना भी कहते रहो अगर रहनी नहीं तो बोलते रहो बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता बिन रहनी कहनी कछुए नहीं कहनी का कोई तात्पर्य होता कोई ही नहीं होता, अगर रहनी नहीं है तो बिन रहनी, कहनी कछुए नहीं होए जाहिर बका अर्स तन और जब रहनी का दिन आ गया रहनी दिल में राज्य का स्वरूप आ गया तो हकीकत और तो मार्फत के सारे भेद खुल गए अब राजी फरमाते हैं बहुत ध्यान से सुंदर साथ अभी तक हमने जो भी बातें की हकीकत और मार्फत जो राजी का पूर्ण स्वरूप है हकीकत और मार्फत मिलकर ही निजनाम होता है वही राजी का पूर्ण स्वरूप है जब वो मेरे दिल में आता है तो क्या होता है सुनिए मैंने जो कहा आप ये मत सोचिएगा मैं कह रहा हूं ये राज्य की वाणी कह रही है मुझे आप झुटला सकते हो लेकिन राज्य को झुटलाने की धृष्टता हम सुंदर साथ को नहीं करनी चाहिए जिनो खुली हकीकत मारफत राज्य की वाणी कह रही है जिनो खुली हकीकत मारफत सो सहे न बिछोहा खिन जिनको राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान हो गई वो एक क्षण के लिए भी राज्य से जुदा नहीं हो सकती और हक इलम खोलिया आखिरी ए बीच असल अर्स तन अब ये आखिरी इलम जो आया है पूर्ण तारतम का तारतम इससे हम अपने अर्स के तन को देख सकते हैं जो जाग उठ बैठा हुआ जो जागा और उठ बैठा हुआ जगाया हक इलम ना हम जाग सकते हैं ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं बिना हक के इल्म के जो जाग उठ बैठा हुआ जगाया हक इलम सो हादी बिना पल एक ना रहे छोड़ ना सके कदम हादी के कदम हम छोड़ नहीं सकते उनके बिना हम एक क्षण रह नहीं सकते अब एक खतरे की घंटी है समय की मर्यादा रखते हुए अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन खतरे की घंटी जो राज्य ने बजा दी है वो मैं आपको सुना देता हूं आवाज धनी के दिल की गूंज अगर हम अपनी आत्मा के कान से सुन सकते हैं तो सुन ले अन्यथा तो दिल पे पर्दा पड़ा हुआ है सुनिए जाको हक इलम पहुंचिया, तिन हुआ सब दीदार जिसके पास राजी का ये इल्म आ गया सिर्फ पुस्तक नहीं कि किताब को रुमाल में बांध के घर में रख दिया और उनके सामने मत्था टेक लिया और बात बन गई ऐसे कोई बात नहीं बनेगी जब उस इलम को हम ग्रहण करेंगे तब जानो की हक इलम पहुंचिया जाको हक इलम पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार अंतर कछुए ना रह इलम आते ही सब उस इल्म के सागर में झीलते हुए परमधाम राज्य के चरणों में पहुंच जाते हैं अब खतरे की घुंटी की एक चौपाई सुनिए और उसका विचार कीजिए जाको हक इलम आया नहीं ताए पट रहिया रह जिसने इस वाणी तारतम ले भी लिया सोहबत भी कर ली सत्संग भी सुन लिया लेकिन वाणी को न पढ़ा न मनन किया न चितवन किया न ध्यान किया यह है तात्पर्य जाको हक इलम आया नहीं हक इलम से जो जो होना चाहिए वो हुआ नहीं यानी हमारे दिल के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था पत्थर पड़ा है जाको हक इलम आया नहीं ताए पट रहिया या अंतर उसके दिल के ऊपर माया का पर्दा पड़ा रहा ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्किन जो ना ले सिर अपने तो कहा करे वचन वचन तो गूंज रही है ना लेंगे तो वचन क्या करेगा तो इस चौपाई की खतरे की घंटी सुन लीजिए जाको हक इलम आया नहीं ताए पट रहया अंतराए उसके साथ क्या होगा आगे सुनिए हक नजीक थे सहरग से तहां से दूर ले गए उठाए तारतम ज्ञान आया तारतम लिया जमात में शामिल हुए हक की अंगना होने का दावा लिया तो हक नजीक थे सहरग से से दूर ले गए उठाए तो अगर वाणी आने के बाद हमने ना उसका मनन किया ना गुनन किया ना चितवन किया ना सोबत की ना सत्संग किया तो क्या होगा कहा से दूर ले गए उठाए यानी कि आत्मा इस तन के अंदर तन तो है उसके अंदर जीव है जब तक जीवित है ये तन तब तक उसके अंदर जीव है और आत्मा इसके अंदर आकर विराजमान हुई अब तन और जीव ने कोई कार्य नहीं किया सिवाय माया के तो जरूरी नहीं है कि आत्मा इस तन के अंदर रहे वो आत्मा का काम तो होना है इस तन से नहीं तो दूसरे तन से तो सोचो यह खतरे की घंटी है हमारे लिए कि अगर हमने इलम का मनन गुनन चिंतन सोहबत और चितवन नहीं किया तो नजीकते से, हक नजीकते सेहरक से कहां से दूर ले गए उठाए तो सुंदर साथ इस खतरे की घंटी की आवाज सुन लो हम सब सुने और राज्य के चरणों को पकड़कर ध्यान चितवन और वाणी पठन मनन गुनन करते रहे इसी चौपाई को दोहरा लेते हैं और आज यहीं पे विराम जाको हकीलम आया नहीं पट रहिया अंतराय हक नजीक थे सहरग से तहां से दूर ले गए उठाए कहा से दूर ले गए उठाए ऐसा ना होने दो प्रणाम सुंदर सा